हाय गाइस, मैं डॉक्टर गुनीत, आल्सो नोन एज डॉक्टर फ्लेक्स, नोन एज डॉक्टर फ्लेक्स. सो एज प्रोमिस्ड फ्यू डेज बैक दैट विल बी स्टार्टिंग विद द बॉडी बिल्डिंग सीरीज. सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द बॉडी बिल्डिंग सीरीज. आज हम चेस्ट का वर्कआउट करेंगे. देखो, चेस्ट के अंदर चेस्ट अलोन नहीं है, इसके साथ डेल्टॉयड आपका अटैच्ड होता है, डेल्टॉयड जिसको हम शोल्डर मसल कहते हैं. कई बार एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स चेस्ट की ज़्यादा डेवलपमेंट कर लेते हैं तो डेल्टॉयड कहीं ना कहीं वीक रह जाता है, उसकी वजह से ओवरऑल जो आपकी लुक है चेस्ट की वो अच्छी नहीं हो पाती. सो आज मैं आपको ऐसी तीन एक्सरसाइज कराऊंगा जिसके अंदर नो डाउट यू विल बी इम्प्रूविंग योर पेक्टोरल मसल की ग्रोथ भी इम्प्रूव करोगे, साथ के साथ आपकी जो फ्रंट डेल्टॉयड की ग्रोथ को भी यू विल बी एसेंचुएटिंग दैट ग्रोथ, जिससे आपकी ओवरऑल चेस्ट की प्रोफाइल एंड साइड से अगर आप व्यू लोगे तो आपका डेल्ट एंड पैक, जिसको हम डेल्टॉयड एंड पेक्टोरल कहते हैं, उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी होगी एंड यू विल बी लुकिंग एस्थेटिकली गुड. सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्कआउट्स गाइज. सो गाइज, पहले जो हमारा वर्कआउट होगा दैट इज़ गोइंग टू बी द इंक्लाइंड डंबल प्रेस. ठीक है, इसके बीच में खास ध्यान आपको ये रखना है कि जो बेंच है जिस पे आपने वर्कआउट करना है, इसका एंगल, व्हाट इज गोइंग टू बी एन एग्जैक्ट एंगल, इसको रेज कीजिए आप. अभिषेक एक मिनट साइड से इनको दिखाना सर ऑडियंस को. अब ये देखें कि साइड से शायद आपको लगे कि ये वाला जो बेंच का एंगल है ये शायद शोल्डर प्रेस के लिए है, पर नो गाइस, दिस इज़ नॉट फॉर शोल्डर, दिस एंगल इज़ एक्चुअली फॉर योर डेल्टॉयड कम पेक्टोरल मसल. इसको हमने हाइट इसलिए रेज की है कि जब वर्कआउट करेंगे तो हमारा पेक्टोरल के साथ डेल्टॉयड मसल की जो नॉच होती है इसके ऊपर ज़्यादा लोड आए. सो गाइस, इन दिस वीडियो धर्म द फिटनेस ट्रेनर इज हेल्पिंग आउट मी आउट इन मेकिंग दिस वीडियो. अब आप देख सकते हैं कि जो ये शोल्डर प्रेस लगा रहे हैं इससे इनका पेक्टोरल पे तो लोड आ ही रहा है. अभिषेक मिनट साइड से अगर आप एंगल इनको ऑडियंस को दिखाएं प्लीज़. अगर आप इनका साइड से एंगल लें तो यू कैन सी कि यहाँ पे डेल्टॉयड मसल भी एक्टिव हो रहा है. ऑल द ट्रेनर्स जो वर्कआउट करवाते हैं जिम में, दे कैन सी जब भी वो अपने एथलीट को वर्कआउट्स करवा रहे हैं तो यू कैन फील, टच एंड फील हेयर, यहाँ पे डेल्टॉयड की मूवमेंट्स भी हो रही हैं, फ्रंट डेल्टॉयड्स की, पेक्टोरल मूवमेंट ले रहा है साथ के साथ डेल्टॉयड मसल भी मूवमेंट ले रहा है. इसकी आपने कोशिश करना है 3 to 4 सेट्स रखने की एंड मेन वैल्यू ऑफ द रेपिटेशन शुड बी बिटवीन 12 to 15. सो गाइस, सेकेंड एक्सरसाइज बींग द डंबल फ्लाई. अब डंबल फ्लाई के बीच में हमने इसी पोजिशन को 1 degree रिक्लाइन कर लेना है. अब रिक्लाइन इसलिए करेंगे क्योंकि अगर इस एंगल पे जिसमें हमने डंबल प्रेस किया था, अगर हम डंबल फ्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो शोल्डर पे ज़्यादा लोड आ सकता है एंड इट कुड लीड टू इंजरी. एक बहुत कॉमन इंजरी जो एथलीट्स के साथ, वेट लिफ्टर्स एंड बॉडी बिल्डर्स के साथ होती है, दैट इज़ जो बाइसेप की नॉच होती है या आपके डेल्टॉयड से या आपकी फोरआर्म से खुल जाती है. सो दैट इज़ अ वेरी कॉमन इंजरी, हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं. ऑल वी हैव टू डू इज़ न्यूट्रलाइज द वेट. अब इसके बीच में हमने प्रेस किया था, हम इसको 1 degree फॉल करके नीचे वी आर गोइंग टू गो फॉर द फ्लाई मोशंस. सो गाइस, दिस बीइंग द सेकंड एक्सरसाइज, दीज आर डंबल फ्लाइज. जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि हमने जो पहली वाली एक्सरसाइज थी इसको हम शोल्डर डंबल प्रेस रखा था और ये अब डंबल फ्लाई है. ओनली डिफरेंस इज एक हमने एंगल इसका बेंच का नीचे कर दिया है. अब इसके बीच में अगेन एज यू कैन सी, जब ये ऊपर लेके आ रहे हैं अपने पेक्टोरल मसल को ऊपर, कोशिश करना ला के इधर ऊपर गया हो, यहाँ आके हल्का सा इसको फ्रैक्शनली रोकना है. सेम मेंटली 1 to 1 माइंड में काउंट करो फिर नीचे लेके आ जाओ. और जब ऊपर लेके आ रहे हो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप अपने पेक्टोरल को बिल्कुल टाइट करके रखो, इसको ढीला मत छोड़ो. ऊपर ला के टाइट करके स्क्वीज करना है चेस्ट को, साथ ही साथ स्क्वीज करके आपने इसको रिक्लाइन कर लेना है. ठीक है, और इसका बेनिफिट ये मिलता है कि मैक्सिमम आप ब्लड को पेक्टोरल मसल के अंदर पंप करते हो. ऊपर आके हल्का सा भी आप इसको ढीला छोड़ोगे सो यू वोंट बी एबल टू गेट दैट मच वेस्कुलरिटी एज व्हेन यू आर डूइंग अंडर कॉन्स्टेंट स्ट्रेन, एंड कॉन्स्टेंट स्ट्रेन लीड्स टू मोर हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स. यस, थैंक यू. सो गाइस, दिस थर्ड एक्सरसाइज जो अभी हम ये कर रहे हैं इनको हम केबल क्रॉसेस कहते हैं. द रीज़न आई एम टेलिंग यू कि आप वो एल्बोज अपनी, जैसे ये धर्म इज डूइंग, ही इज ट्राइंग, इसकी आप पोजिशनिंग देखो तो ये एल्बोज एंड जो रोप है दैट इज़ ऑलमोस्ट इन द सेम लाइन. धर्म नीचे लेके आके इसको स्क्वीज करो. यस, नीचे आके जब स्क्वीजिंग मोशन में है ही इज़ होल्डिंग द वेट, तो नाउ यू कैन टच एंड फील द वॉल्यूम इन हिज चेस्ट. तो इस टाइप के ऊपर जब इसने टेंशन क्रिएट की हुई है मसल्स के बीच में, यहाँ पर मसल होल्ड कर रहा है. एंड प्लीज़ कंटिन्यू. इसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा कि
कि जब मैं अपने स्टूडेंट्स को, एथलीट्स को, जब मैं कहता हूँ कि अपने मसल को कॉन्स्टेंट स्ट्रेन में रखो, उससे ये होगा कि आपके लंग्स जो ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन खींचेंगे एंड कहीं ना कहीं आपके ब्लड सेरम के बीच में RBCs इंक्रीज होना शुरू होंगे एंड RBCs आर द वन विच आर गोइंग टू कैरी द ऑक्सीजन टू योर मसल्स. इससे ना कि आप अपनी एंड्योरेंस लेवल इंक्रीज कर रहे हो, ऑल्सो न्यूट्रिएंट सप्लाई जो आप बॉडी बिल्डर्स को चाहिए होता है, जो आपने पूरे दिन में प्रोटीन सप्लीमेंट्स लिए हैं, अपना खुराक पूरी की है, इससे आपका न्यूट्रिएंट सप्लाई भी आपके टारगेटेड मसल्स के बीच में इंक्रीज होता है, दैट इवेंचुअली लीड्स टू मोर मसल ग्रोथ. सो गाइस, टुडे वी डिड द चेस्ट वर्कआउट एंड इन कमिंग वीक्स वी विल बी स्पेकुलेटिंग ऑन डिफरेंट वर्कआउट्स सो एज यू कैन इम्प्रोवाइज अपने वर्कआउट्स आप ठीक कर सको. मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके एंगल्स, आपके जो वर्कआउट्स के पैटर्न्स में ठीक कर सकूँ, बाकी मेहनत आप लोगों ने करनी है. एंड गाइज, वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू यू थ्रू दिस सोशल मीडियम इज के यू इक्वली नीड टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन. डाइट वो एपिटोम होता है बॉडी बिल्डिंग का या किसी भी गेम का, खास करके जो हम स्पोर्ट्स में होते हैं या हम वेट लिफ्टिंग में या अपना बॉडी बिल्डिंग में है. सो यू ऑल्सो नीड टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट. 8 to 10 आवर्स की स्लीप मस्ट है एक एथलीट के लिए एंड यू शुड हैव अ गुड बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट के ऊपर मैं किसी भी दिन आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगा जिसमें आई कैन टेल यू वॉट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन बैलेंस्ड डाइट एंड डोंट टोटली रिलाई ऑन सप्लीमेंट्स. Natural diet is natural. Supplements are just one more thing which you can add with your natural diets. So guys, have a blessed weekend. Me, Dr. Guneet, Dr. Flex, also known as Dr. Flex, will be coming to you through Young Bites in some other video in coming week. Thank you.